ऐसी कई सब्जियां हैं जिसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल चिकन जैसा होता है, जैसे कि मशरूम। मशरूम्स फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ वो कैलोरीज में भी लो होता है। तो चलिए आज मशरूम्स का इस्तेमाल करते हुए हम वीगन चिकन सैंडविच बनाते हैं। चिकन सैंडविच बनाने के लिए हम लगभग आधा किलो बड़े साइज के बटन मशरूम्स ले रहे हैं। इन मशरूम्स के हम स्टेम्स अलग कर लेंगे जिसको हम सैंडविच बनाने में इस्तेमाल करेंगे। बाकी बचे हुए मशरूम्स की आप सब्जी बना सकते हैं। स्टेम्स को अच्छी तरह से धोने के बाद उसे हाथ से ही लंबे लंबे टुकड़ों में अलग कर लेंगे। पैन को मीडियम सेक पर गर्म करने के बाद उसमें एक बड़ा चम्मच तेल का डाल लेंगे। उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज और 6 से 7 बारीक कटी हुई लहसुन की तुरियां डाल लेंगे। इन दोनों को भुनने के बाद इसमें एक बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई आधी लाल शिमला मिर्च डाल लेंगे। और अब हम इसमें मशरूम डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए भुनेंगे। इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया डालकर मिला लेंगे। अब आपका वीगन चिकन है तैयार। चलिए सैंडविच बनाते हैं। अब इस तैयार किए हुए वीगन चिकन को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच वीगन मेयोनीज के डालेंगे। मेयोनीज की रेसिपी हमने आपके साथ पहले शेयर करी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तैयार किए हुए मिक्सचर को हम ब्रेड पे स्प्रेड कर लेंगे और ब्रेड को दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब ये वीगन चिकन सैंडविच हो गया तैयार। ये हेल्दी सैंडविच आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर वर्कआउट के बाद आप एक प्रोटीन सोर्स के तौर पर भी खा सकते हैं।